ये रागनी मैं सबसे पहले सरवरनीर के किस्से की आपको सुनाऊंगी, और उस समय की ये बात होगी कि जब रानी अमली एक भटियारी की सराह में रहती है, नौकरानी का काम करती है, तो भटियारी की सराह में एक सौदागर का आना जाना लगा रहता था। उस सौदागर ने भटियारी की सराह में रानी अमली को देखा तो बड़ी पसंद आई उसे, तेरी सराह में जो ये तेरी नौकरानी रहती है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तू जो चाहे मैं इसकी कीमत दे दूंगा, लेकिन खाना लेके इसे मेरे जहाज पे भेज देना। प्रेमी सज्जनों, भटियारी लालच में आ गई और रानी अम्बली से न्यू बोली की रही। रानी न्यू कहने लगी की अम्बली तू ना सौदागर के जहाज को उसका खाना दे के आ जा। जैसे ही सौदागर के जहाज पे खाना लेके पहुंची, खाना दिया, सौदागर ने खाने के साथ साथ रानी अम्बली का हाथ पकड़ लिया और अपने जहाज में बिठा के जहाज को चलता कर दिया। न्यू को कहने लगी कि रे सौदागर मैं बहुत दुखिया हूँ, देख एक अबला पे जुल्म ढहाना ये अच्छी बात नहीं है, अरे मैं शादीशुदा औरत हूँ, तू मेरे साथ जो हरकत कर रहा है ये तेरी बहुत नीच हरकत है, और इस दुनिया के अंदर जिसने भी पराई स्त्री को छेड़ा है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है, और कैसे सौदागर को समझाती है सुनिएगा रागनी के द्वारा कैसे बताया। ये बोली ले लो,
मतलब लालच छोड़ ही दिया, 400 रुपए इन्हें दे दो, जिसको चाहिए 400 के बदले 500 का नोट आप ले सकते हो। और दूसरी गली में कैसे बताए कवि ने क्या कहा, तीसरी गली के द्वारा एक एक शब्द सुनने लायक लिखा और कैसे बताया। Yeah, it's a happy one day.